तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डाइकॉट प्लांट जिसमें हम स्टडी करेंगे उसकी स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। अगर हम देखें स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स की, जो कि स्टेम हेयर्स होते हैं और ये अराइज होते हैं आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर से जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की। कॉर्टेक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोडर्मिस की, जो बना होता है कॉलेनकाइमा सेल्स से। फिर आता है हमारा कॉर्टिकल रीजन और सबसे अंदर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, जो बना होता है हमारे पैरेनकाइमा सेल्स से मिलके। एंडोडर्मिस के बाद फिर हम बात करते हैं पिथ की, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की, जो कि फ्लोएम से बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है ऐसे वेव्स की फॉर्म में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स की, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम देख पा रहे हैं। और जो ये वैस्कुलर बंडल्स हैं ये रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स आपको डाइकॉट स्टेम में दिख रहे हैं ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं डाइकॉट स्टेम का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेडुलरी रेस के बारे में। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके बीच में होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स मिलके बनाती हैं मेडुलरी रेस डाइकॉट स्टेम के अंदर। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम को अच्छे से स्टडी करें, ये हैं हमारे एपिडर्मल हेयर्स जो अराइज हुए हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस के बाद हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा से बना हुआ हाइपोडर्मिस, जो हमने पहले अभी देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेनकाइमा सेल से मिलके बना हुआ कॉर्टेक्स रीजन और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल से अंदर हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के बाद हम बात करते हैं कैम्बियम रिंग की, जो सेकेंडरी ग्रोथ देता है। उसके अंदर हम बात करते हैं मेटाजाइलम की और उसके अंदर हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम की, जो कि पिथ की तरफ सेंटर्ड होता है। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन होता है डाइकॉट स्टेम का। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की स्टडी करें तो यहाँ पर स्टेम ऑफ ओक दिखाया गया है, जो कि एक डाइकॉट स्टेम है, और दूसरी तरफ स्टेम ऑफ मिंट प्लांट दिखाया गया है, जो कि एक और एग्जांपल होता है डाइकॉट स्टेम का।